जो ज़्यादा बदमाश लोग हैं उनको गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। यहीं पर भी अगर वो वोट करें तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आज 19 तारीख है, आज पोलिंग पार्टियां यहां से पोलिंग पार्टियां डिस्पैच हो रही हैं। अब देखो जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सत्येंद्र कुमार जी बहुत ही बढ़िया जानकारी देते हैं भैया, चुनाव प्रक्रिया से लेकर के भैया कैसे वगैरह वोटिंग होती है और कैसे वगैरह मतदाताओं को जागरूक किया जाती है उसके बारे में सब बतावत रहे हैं। आपका बता दें कि पांचवें चरण में 20 मई को बाराबंकी जिले मतदान होना है। 2615 मतदान स्थल बनाए गए हैं जहां पर वगैरह मतदाता पहुंचेंगे और वोट डालेंगे भैया। और बाराबंकी जिले में कम से कम भैया 19 लाख मतदाता हैं जो वगैरह वोट डाले काम करती हैं। इमा वगैरह 49% भैया देखा थी महिलाओं की संख्या है। इस दरमियान बाराबंकी जिले के भैया नवी सब्जी मंडी से और कहा कहते हैं जीआईसी ग्राउंड से आप देखा सकते हो तमाम बकायदा पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। ऐसे बकायदा बाराबंकी जिले के डीएम सत्येंद्र कुमार जी जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, साथ साथ भी एसपी दिनेश कुमार सिंह जी मौके पर गए थे, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। और तनिक सुनो भैया, जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सत्येंद्र कुमार जी क्या कह रहे थे। जो कार्यक्रम पूरा इलेक्शन का होता है उसमें एक महत्वपूर्ण आस्पेक्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे हम लोग देख रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन की अपनी वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी का एनालिसिस किया जाता है कि वहाँ पे किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं और उसी हिसाब से वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाता है। ऐसे तत्व जो किसी भी तरह से समस्या क्रिएट कर सकते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया में, उन सब लोगों को पहले से ही चिन्हित करके उनको 107-16 में बाउंड डाउन किया जाता है। जो ज़्यादा बदमाश लोग हैं उनको गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लोगों की प्रॉपर्टीज़ सीज करने की कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ़ मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज कराए जाते हैं। तो पूरी एक व्यवस्था होती है जिसमें ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ़ लगातार कार्रवाई की जाती है ताकि किसी भी मतदाता को कहीं पर भी अगर वो वोट करें तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एकदम भयमुक्त और निष्पक्ष रूप से वोटिंग परसेंटेज जो हम लोग इस बारी टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 70% लोग इस बारी वोटिंग ज़रूर करें। पिछली बारी 63.5% वोटिंग हुई थी। जो पिछले इलेक्शंस के जो वोटिंग पैटर्न बाराबंकी का है उसमें ये नज़र में आता है कि जो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत है वो पुरुषों की अपेक्षा कम रहती है। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए हम लोगों ने हर आंगनवाड़ी केंद्र पे सास बहू ननद सम्मेलन कराया था जिसमें गांव की जितनी भी महिलाएं थी सब लोगों को सम्मिलित किया गया था इस बात के लिए प्रेरित करते हुए कि जाके वो वोटिंग करें। ऐसे ही जो हमारे युवा मतदाता हैं उनको भी वोटिंग में उनका पार्टिसिपेशन भी देखा गया कि कम रहता है स्कूल कॉलेजेस में व्यस्तताओं के कारण या अन्य कारणों से। तो इस बार सभी कॉलेजेस में भी कैंपस एम्बेसडर बनाते हुए ये कोशिश की गई है कि वो लोग भी सभी जगहों पर निकलें और वोटिंग ज़रूर करें। तो जितने भी हमारे ऐसे सेक्शंस हैं जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, जो 85 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं, उनके घरों पर भी वोटिंग कराई गई है, उन लोगों के साथ विशेष कार्यक्रम भी किए गए हैं। जो हमारे कामगार लोग हैं जो अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, उनके लिए हर फैक्ट्री में इस तरह के आयोजन किए गए हैं। तो कोशिश ये की गई है कि हर तबका जो हमारे वोटर का है उस तक हम लोग पहुँचें। अरे थे वो 20 मई की है और आज 19 तारीख है, आज पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से मंडी स्थल से और हमारे जो GIC है इन दोनों जगहों से पोलिंग पार्टियां डिस्पैच हो रही हैं। चार विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां नवीन मंडी स्थल से जा रही हैं और 2 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां हमारे GIC का जो प्रांगण है वहां से डिस्पैच हो रही हैं। तो इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी होती है। पहले तो करीब करीब समझिए कि 13,500 पोलिंग पार्टियों में लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। इनके अलावे जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं, CPMF के लोग हैं, वो सारे लोग अपने अपने पोलिंग बूथों तक आज पहुँचेंगे दिन तक। तो उस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए सबसे पहला तो ये होता है कि एक ड्यूटी ऑर्डर का वितरण का कार्य होता है। उसके बाद जहाँ वो EVMs रिसीव करते हैं वहाँ की अलग तैयारी होती है। यहाँ पे सभी तरह की व्यवस्था है, वो मेडिकल कैंप हो या कैंटीन हो या हेल्प डेस्क हो या EVM डेमोन्स्ट्रेशन की जो आवश्यकता होती है, ये सारी व्यवस्थाएँ पोलिंग पार्टी डिस्पैच के स्थल पर कराई जाती हैं जैसा कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश भी हैं। कि सब बाराबंकी जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सत्येंद्र कुमार जी की बातें सुनिए आपने भैया, मतदाताओं को किस प्रकार से जागरूक किया गया, किस प्रकार से बकायदा भैया पूरी चुनाव की प्रक्रिया होती, प्रोसेस होता सब बतावत रहे हैं। बाकी भैया पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं धीरे धीरे, सबके सब भैया पहुँच करके मतदान कर रही हैं। हम गल तनिक आपका बता दी और आप लोग भी भैया जागो, उठो और 20 मई का मतदान करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शंबा सहाजी को सफर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो।